गुड मॉर्निंग बॉयज़। बेटा ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सिक्स पार्ट यानी इसका लास्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, बाकी एक दो पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े हैं, वो आपने जस्ट प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह ज़रूर आप करेंगे। अब देखें इसमें उसने आपको दिया है 6/8 × 1/6, यानी नीचे उसने आपको मिक्स इक्वेशन दे दी है, तो इससे भी परेशान नहीं होना। ये देखें इसको सॉल्व कैसे करना है, इन दोनों का टेबल पढ़ना है और ये वाला प्लस करना है, क्योंकि ये देखें ना मिक्स इक्वेशन यहाँ पर पड़ी हुई है, तो इन दोनों का टेबल जब पढ़ेंगे तो देखें 6 × 8 करेंगे तो ये 48 आएगा और एक इसमें प्लस करेंगे तो 49/6 आ जाएगा जी मेरे पास। ये देखें ना मेन डिवीज़न ये है, जबकि डिवीज़न के नीचे एक डिवीज़न आ गई है, तो अब आप क्या करेंगे ये देखें। अगर आप इसको कानून देखें तो ये वाला मैं अगर आपको रफ में समझा देता हूँ, 6/49/6 ये मेरे पास इस फॉर्म में है। तो बेटा जब भी कभी डिवीज़न आती है तो उसको आप मल्टीप्ली में जब चेंज करते हैं तो ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाती है, तो ये देखें क्या मेरे पास आ रहा है 36/49। तो यहाँ पर भी मैं यही कुछ काम करता हूँ, यानी 6 × 6 कर दूँगा और ये 49 यहाँ पर रहेगा। कैसे ये देखें मैं आपको इसमें समझा चुका हूँ। तो जस्ट ये हम इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, आप इसके ऊपर बना दें पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 36, नीचे आ जाएगा ये 49 का, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये देखें ये कंप्लीट स्क्वायर रूट पड़े हुए हैं, ये वाला जो कंप्लीट स्क्वायर है वो 6 का है जबकि ये वाला जो है वो 7 का है, तो यही आप समझ लें कि आपका आंसर अगर आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट स्क्वायर रूट आपने ले लिए हैं तो ये आपके पास 6/7 आ गया, तो 6 को डिवाइडेड बाय 7 अगर आप करते हैं तो 0. आपके पास जो आंसर आ रहा है 0.8571, यानी ये आपके पास आंसर आ रहा है। आप इसको डायरेक्ट भी दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट आप इसको डिवाइड भी करके चेक कर सकते हैं। डिवाइड करने का तरीका आपको पता है, 6 को अंदर रखें 7 को बाहर रखें, आपका आंसर आना शुरू हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।